नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी प्रखंड से संवाददाता नितेश कुमार चौबे की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 सितंबर सोमवार से होने वाले विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर बीडीओ ने बीएलओ सुपरवाइजर व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के साथ बैठक की। प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में बीडीओ ने सभी उपस्थित बीएलओ से प्रत्येक बूथों की भौतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा मिले विभिन्न दिशा निर्देश का अनुपालन अवश्य हो। 2 से 17 सितंबर तक होने वाले मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य 100% पूरा करें। उन्होंने बताया कि 8 और 15 सितंबर को सभी बूथों पर स्पेशल कैंप का आयोजन करना है। उन्होंने राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को बताया कि वर्तमान 4 बूथों को बदलने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया है, जिसमें बूथ संख्या 10 आंगनवाड़ी केंद्र जत्रों को नव प्रावी जत्रों, बूथ संख्या 16 आंगनवाड़ी केंद्र जमुआ को नव प्रावी जमुआ, बूथ संख्या 45 आंगनवाड़ी केंद्र शिवपुर को राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवपुर तथा बूथ संख्या 65 उप स्वास्थ्य केंद्र पीपरडीह को उत्क्रमित प्रावी पीपरडीह में बदलने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही जीपीएस सुनील कुमार ने बीएलओ को प्रपत्र 6 और 7 उपलब्ध कराया। मौके पर सुपरवाइजर विपिन कुमार सिंह, राजेंद्र राम, कृष्ण तिवारी, राजनीति पार्टी भाजपा के रामलला दुबे, राजेंद्र पांडे, सीताराम तिवारी, रामलखन चंद्रवंशी, कांग्रेस के कृष्ण तिवारी, बीएलओ अविनाश दुबे, राजेश दुबे, उदय राम, जयप्रकाश, वासुदेव राम, करंजू पाल, उदय कुमार गुप्ता, प्रभात रंजन सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, बसंत पांडे सहित सभी बीएलओ उपस्थित थे। धन्यवाद।